प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आएंगे। वह बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा भवन में आने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए तैयारियां जोर शोर से हो रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश में विधानसभा सचिवालय ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इन तैयारियों में बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है। इन सभी तैयारियों को और प्रधानमंत्री की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे बीटेट अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा धरना स्थल से हटा दिया गया है, इसलिए बीटेट के अभ्यर्थी आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना नहीं दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज वहां धरने पर नहीं बैठे हैं। आपको बता दें कि बीटेट के अभ्यर्थियों की यह मांग है सरकार से कि सातवें चरण की जो बहाली होनी है उसके पहले बीटेट की पात्रता परीक्षा ली जाए, जिसके लिए वह सरकार से गुहार लगा रहे थे और कुछ दिन पहले भी धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, जिस कारण बीटेट पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी एक बार फिर से अपने धरने को शुरू कर चुके हैं और उनका धरना 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने के रूप में फिर से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की वजह से आज धरना स्थगित कर दिया गया, लेकिन बीटेट पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों का कहना है कि वह अपना धरना अनिश्चितकाल के लिए फिर से जारी रखेंगे। सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मान लेती, नोटिफिकेशन जारी करने के पहले पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देती, तब तक आंदोलनकारी धरना स्थल पर डटे रहेंगे और सरकार से अपनी मांग को लेकर गुहार लगाते रहेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीटेट पात्रता परीक्षा के अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 3 वर्षों से लंबित विज्ञापन को लेकर कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर भी गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हैं। उनकी भी मांग है कि 7 दिन के भीतर सरकार नोटिफिकेशन का परिणाम घोषित करे और इसी माह नियुक्ति में जो भी विलंब हुआ है उसकी प्रक्रिया पूरी करके उन सभी को नियुक्त किया जाए। अब आपको सुनाते हैं कि बीटेट पात्रता परीक्षा को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी हैं, उनकी सरकार से क्या मांग है। कभी छूटा था ना, और ये लड़ाई का जो हम लोग का चल रहा था, कभी छूटने की बात नहीं थी और बीच में हमने इस तारतम को बनाए हुए था। सवाल यह है कि बीच में हमने जिला अभियान चलाया है ताकि सभी जिले से अभ्यर्थी आज आए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जिलों से 150-200 की संख्या में आज पहुंच गए हैं विद्यार्थी। तो वजह यह है कि अब सरकार से हम लोग अंतिम रूप में यह मांगना चाह रहे हैं कि किसी हालत में हमको एक पात्रता परीक्षा आप करा लीजिए। किसी भी हालत में पात्रता परीक्षा होना चाहिए और अभ्यर्थी अब बाध्य हैं, अब रोड पर बैठे हुए, कब तक रोड पर बैठे हैं। तो इसलिए महाधरना का आयोजन 11 जुलाई से किया गया है ताकि किसी भी सूरत में बीटेट या सीटेट हर हाल में होना चाहिए, उसके बाद ही सातवें चरण हो। तो और भी यहाँ पे देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या मांग है आपकी और फिर से आप आ गए हैं धरना देने गर्दनीबाग? सातवां चरण से पहले हमको एक पात्रता परीक्षा का मांग है, कोई जॉब का मांग तो है नहीं। सरकार मेरी सुन नहीं रही है, पता नहीं ऐसी के चैम्बर से निकलेगा तभी देखेगा कि हाँ किसी का बेटी रोड पर बैठा हुआ है। अपना बेटी को रोड पर बैठाएगा? नहीं बैठाएगा। आ कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को तो रोड पर लाकर बैठा दिया। कभी देखने आता है कि बेटी को क्या है नहीं है? कुछ भी नहीं देखता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये फेक नारा है? ये फेक नारा है, एक नारा बन के रह गया। अच्छा, सातवें चरण से पहले आपका पात्रता परीक्षा क्यों हो? ये 3 साल से भी पहले आप लोग मांग सकते हैं, 5 साल से भी। आप जब अब हम लोग का प्रशिक्षण हो गया तब हम उस चीज का मांग कर रहे हैं। मेरा भैया लोग इस चीज का मांग नहीं किए। छठा चरण में पहले लिया था बीटेट और सातवां चरण में नहीं लिया। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। हाँ, देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि विगत 5 वर्षों से जो बिहार सरकार है वो पात्रता परीक्षा नहीं ली सर। छठे चरण की जब बहाली आ रही थी तो बिहार सरकार उस समय भी बहाना बना रही थी कि हम सीटेट तो होता ही, हम बिहार पात्रता परीक्षा क्यों लेंगे। और उस समय हमारे भाइयों एवं बहनों ने, हमारे बड़े भाइयों बहनों ने आंदोलन किया और बिहार पात्रता परीक्षा करवा के रहे। हम भी आंदोलन पर हैं सर और करवा के ही रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे सर। हम लोग का एक ही नारा, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। तो आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार अगर हम लोग का साथ देंगे तो हम लोग जरूर जीतेंगे सर। और भी जुड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सेवेंथ फेज जो बहाली आ रही है उससे पहले बीटेड एक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं हम सरकार से। विदाउट पात्रता परीक्षा क्या कहना चाहेंगे क्या सर? देखिए हम लोग काफ़ी दिन से हैं, आप लोग भी जानते होंगे, प्यार मोहब्बत वाली बात हो चुकी है बहुत। अब हम लोग तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, आ गए हैं, ठीक है ना। हम लोग 4 लाख विद्यार्थी बहुत जल्द प्रेजेंट हो रहे हैं और हम प्रेजेंट हो रहे हैं 4 लाख विद्यार्थी। हम महाधरना एकदम आयोजित कर दिए, 5 बजे से का पहला धरना है आज हम लोगों का। हम लोग तोड़े नहीं थे बीच में, हम लोग सरकार का सोचने का मौका दिए थे। आखिर हम लोग के बारे में क्या सोच रहे हैं सरकार? सरकार का रिस्पॉन्स अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग फिर आज से 5 बजे से धरना से पहला दिन है, आज से स्टार्टिंग किए हैं। ऐसे कर कर हम लोग 4 लाख बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। हम लोग सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। हम लोग बहुत जल्दी 7 फेज से पहले बीटेड हो, ये हमारे एकदम स्पष्ट मांग है। वो आज से मेरी मांग नहीं और हमारा संवैधानिक मांग है, उसे हम लेके रहेंगे। ये धरना कब तक चलेगी आपका? अनिश्चितकालीन सर। बिहार सरकार मतलब कि पता नहीं कितने साल के बाद पात्रता परीक्षा लेगी। एक बार 2011 में ली, एक बार 2017 में, अभी अनिश्चितकालीन है। कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि कब आएगा उसका समय पात्रता परीक्षा का, कोई लिमिटे नहीं है। आप भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि नियमित रूप से पात्रता परीक्षा नहीं होती है। नहीं तो जाइए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में जाइए, झारखंड में जाइए, सभी समय पर लेता है। लेकिन देखिए बिहार की स्थिति ऐसी है, जबकि बिहार प्राचीन काल से, यहाँ विद्वता की कमी नहीं है सर, यहीं से गिनती की शुरुआत हुई है। आर्यभट्ट यहीं के हैं, वशिष्ठ नारायण यहीं के हैं सर, यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं, गुरु गोविंद सिंह यहीं के हैं सर, महात्मा बुद्ध यहीं के हैं सर, महावीर यहीं के हैं सर। लेकिन ऐसी इस मतलब की स्थिति में भी बिहार की ऐसी स्थिति है कि बिहार के युवा मतलब ट्रेंड होकर के प्रशिक्षित होकर के आज गर्दनी बाग में मजबूर हैं बैठने के लिए धरने पर। अगर इन युवा को अगर मौका मिलता बिहार के स्कूलों में तो अपने से 20 गुना 100 गुना डेवलप करेंगे बिहार को। लेकिन इन युवाओं को मौका ही नहीं मिलता है डेवलप करने का, इन लोगों का अवसर ही छीन लिया जाता है, हमारा अवसर ही छीन लिया। हम 17-19 के डीएलएड है, 17-19 के सेशन के, एक बार भी मुझे मौका ही नहीं मिला बिहार सरकार के टेट की परीक्षा में बैठकर मैं अपना भाग्य आजमा सकूं और बिहार में शिक्षक बनकर के सुदृढ़ इसका शिक्षा का विकास कर सकूं। मुझे मौका ही नहीं मिला, एक बार भी नहीं, अपनी एनर्जी का प्रयोग करने का मुझे अवसर ही नहीं मिला कि मैं अपना एनर्जी और जो विद्वता है मैं प्रदर्शित कर सकूं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यार सरकार हाय हाय, यार सरकार हाय हाय, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हमारे छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे छात्र संगठन एकता छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे 4 लाख अभ्यर्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे 4 लाख विद्यार्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डबल इंजन की सरकार हाय हाय, हाय हाय, डबल इंजन की सरकार हाय हाय। जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय है सर, यहाँ नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय है सर, जहाँ विश्व के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, आज यहीं के छात्र पता ना कितने देख ही रहे हैं रोड पर की स्थिति क्या है सर। जहाँ बिहार मतलब कि विश्व गुरु कहलाता है सर, बिहार पूरे भारत में अगर विश्व गुरु की पहचान है या पूरे विश्व में विश्व गुरु की पहचान है तो बिहार से पहचान है सर। यहाँ अशोक चंद्रगुप्त जैसे यहाँ शासन किया है लोग, अपने रीजन में 10,000 विद्यार्थियों की व्यवस्था की थी नालंदा में। आज है कि कहीं स्कूल का पता नहीं है तो कहीं खिड़की का पता नहीं है तो कहीं टीचर का ही पता नहीं है सर, ऐसी स्थिति है। सोनू जैसे आदमी एग्जांपल देता है, ऐसी स्थिति है बिहार की। जाइएगा तो बच्चा लोग परेशान है मिड डे में और टीचर भी परेशान है मिड डे में। हमारी मतलब कि व्यक्तिगत मांग है कि मिड डे को अलग कर दिया जाए, दूसरे कंसल्टेंट मतलब एजेंसी को दे दिया जाए, शिक्षा विभाग से हट करके कि इधर शिक्षक जो है शिक्षा के सुधारने में रहे, न कि मिड डे में रहे, मिड डे मील बना रहे। हाँ सर, चलिए हम लोग टॉपिक पर आएंगे जो बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022 के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि आप सभी जो मीडिया भाई जो अपने कवरेज कर रहे हैं उनके माध्यम से सरकार को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि आप ही ने यह तय किए संविधान के तहत कि हम ऐसा बीटेड करा करके हम शिक्षक बनाएंगे इस बिहार के लिए,
बिहार स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज आप 17 के बाद आप 5 साल के अभी हो गया है और आप 22 में बहाली करने जा रहे हैं सातवां चरण का, तो आप बीटेट बहाली क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं उसका एग्जाम ले रहे हैं, ये कहाँ आप भूल गए इस चीज़ को, ये हमको सूचना देना है सरकार को। और यह उनसे विनती है, अगर आप भूल भी गए हैं तो आप इस चीज़ को पुनः याद दिला रहे हैं और इस चीज़ को आप लीजिए और सातवां चरण से पहले इस चीज़ को शामिल करके और अच्छे से अच्छे टीचर को मौका देने का कृपा करें। मेरा यही विनम्र अनुरोध होगा सरकार से,